रामधर्म रविशंकर विश्वविद्यालय की परीक्षा मई में आयोजित की जा सकती है। लॉकडाउन की वजह से विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। यदि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहता है तो शासन से अनुमति मांगकर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें हर एक छात्र का अनिवार्य रूप से हाथ धुलवाया जाएगा, साथ ही उन्हें मास्क लगाने की हिदायत भी दी जाएगी। शिक्षकों को भी इसी निर्देश का पालन करने को कहा गया है। विश्वविद्यालय में मई माह से परीक्षाएं शुरू की जा सकती है और जब परीक्षाएं शुरू की जाएगी तो परीक्षाओं में शुरू होने से पहले छात्रों के हाथ धुलाए जाएंगे और इसके लिए मास्क पहनना भी जरूरी होगा। परीक्षा केंद्रों में मौजूद शिक्षकों के लिए भी यह अनिवार्यता रहेगी। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसकी तैयारियां भी की जा रही है। मई से परीक्षाएं शुरू हो सकती है और लॉकडाउन की वजह से रविवार की परीक्षाएं जो है वो स्थगित है और 3 मई तक लॉकडाउन है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से परीक्षा की तैयारी की जा रही है। अफसरों का कहना है कि लॉकडाउन की अवधि आगे नहीं बढ़ती तो प्रशासन से इस संदर्भ में अनुमति दी जाती है तो वार्षिक परीक्षाएं है वो 15 मई से करवाई जा सकती है। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। रायपुर में